अभी 3-4 दिन से हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है गैंग रेप का, और आपके MLA का भी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे तय बोलना है मेरे को। अरे इतना बड़ा भाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अब बिल्कुल ले लिए, कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है, सुनिए सुनिए, आप बहस मत करिए, हीनियस क्राइम है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो आप फिक्र मत करिए। आप जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है सर, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि सेलेक्टिव अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। किलिंग हो रही ना सर? नहीं नहीं, अब आप लोग जो है, जो जिस मुद्दे पे हम आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, अब आप लोग अब अपने एजेंडे पे आ गए। अब नहीं नहीं, सुनिए इस पर, सुनिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ठहरो ना, इस पर हम बोल चुके हैं, कश्मीरी पंडित के कत्ल के ऊपर, बैंक के मैनेजर के कत्ल पे बोल चुका हूँ, स्कूल की टीचर पर बोल चुका हूँ, आप लोगों के पास मेरा वो वीडियो है। मगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से तवज्जो हटाना अब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, आप मुझे तो मत इस्तेमाल करिए उसमें, मुझे इस्तेमाल मत करिए। आपको दिया गया है पूरा नोट, रिपोर्ट दी गई आप लोगों को बोलने के लिए, अब आप पूछते रहो। मैं देश के प्रधानमंत्री पसंद नहीं है उसके ऊपर, मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। नेशनल सुनिए, और कानपुर में NSA लगाए आप, यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर क्या कर रहे हैं आप, क्या सस्पेंशन परमिशन पनिशमेंट है? 10 दिन से खामोश थी बीजेपी, पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उस कंट्री में और एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिमार्श दिया जाता है उनको, और एम्बेसडर साहब स्टेटमेंट देते हैं, कैसे देते हैं स्टेटमेंट, वो फ्रिंज है। अरे आप बीजेपी के नहीं है, आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका ताल्लुक है, ये क्या CPP का एक मॉडल हो गया क्या यहां पर भारत में? सभी मामलों में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ये एक ही मामले में लॉ विल सुनिए, अब आप बोल दिए ना, लगा तूने केसेस FIR जेल को क्यों नहीं भेजा रहे फिर उसको? हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।